हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग। आज हम बनाएंगे साबुत मूंग दाल चाट। उसको यहाँ पर हमने बनाने के लिए यहाँ पर हमने पूरी रात इसको साबुत मूंग है, आप देख सकते हैं, इसको मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ था, तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से खुले बर्तन में इसको बॉयल करूँगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको खुले बर्तन में इस तरीके से कुक करूँगी। अगर आप इसको कुकर में कुक कर रहे हैं तो आप इसमें सिर्फ एक विसिल आने से पहले ही इसको बंद कर दें, या फिर इसमें एक विसिल लगाएं, क्योंकि वो कुकर के ऊपर थोड़ा होता है कि किसी कुकर में लंबी विसिल लगती है और किसी में छोटी लगती है, तो इसमें एक विसिल आने से पहले ही आप इसको एक बार चेक कर लें। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन ही बॉयल करती हूँ हमेशा, तो बस इसको थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें ऐड करते हुए इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और इसको मैं बॉयल करूँगी और एक दो बार बीच में चेक कर लूँगी अच्छे से। तो इसे ओवर कुक हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि चाट में थोड़ी सी जो मूंग है वो खड़ी खड़ी सी ही अच्छी लगती है। तो बस मैंने इसको पानी को इसमें फिल कर दिया है, तो मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने साबुत मूंग को बॉईल कर लिया है और बिल्कुल भी ये ओवर कुक नहीं है। मैंने जैसा बोला था, सिर्फ हल्का सा इसको खड़ा खड़ा ही रखना है, तो मैंने सारे पानी को इसमें से ड्रेन कर दिया है। तो चाट बनाने के लिए इसको मैंने एक बड़े से बाउल में साबुत मूंग को ऐड किया है, और यहाँ पर मैंने 2 बॉईल आलू जिनको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है, 1-2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने इस तरीके से बारीक चॉप किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसमें ककड़ी ऐड की है, आप जो भी खीरा या ककड़ी कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ककड़ी अवेलेबल थी तो मैंने इसमें वही ऐड की है। तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया, क्योंकि थोड़ा सा नमक मैंने बॉईल करने में भी ऐड किया था, नमक को आप टेस्ट करने के बाद ही इसमें ऐड करें। यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक इसमें मैंने ऐड किया है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि चाट है तो थोड़ी सी चटपटी सी ही अच्छी लगेगी। तो भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्च क्रस्ट की हुई 4 से 5 वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो यहाँ पर मैंने जो ओनियन चॉप करके रखी हुई है उसको मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, उसको मैं ऊपर से सर्व करते टाइम ऐड करूँगी। तो बस सभी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है। तो इसमें नींबू ऐड कर देंगे, 1 नींबू का रस इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर एक मैंने इसमें नींबू का रस ऐड कर दिया है, तो इसको मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छे से। बस यहाँ पर इसमें सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इसमें कैरेट भी बारीक चॉप ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। अगर आपके पास एप्पल अवेलेबल है तो इसमें आप एप्पल भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं। तो सर्व करेंगे हम चाट को। आप इसे मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं, बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। तो थोड़ी सी मैं इस पे ऑनियन इस तरीके से गार्निश कर दूंगी, तो बस थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर इसमें मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी। मैं थोड़ी सी खट्टी मीठी इमली की चटनी इसमें ऐड कर रही हूँ, जिससे थोड़ा सा इसमें मिठास आएगा और थोड़ा सा ये खट्टा है, क्योंकि उसमें मैंने नींबू ऐड किया है। तो ये चटनी ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है ये चाट। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसको खाना पसंद करते हैं तो आप इसको ऐड करें, बट इसके बिना भी आप इसको इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं।
तो बस आप देख सकते हैं साबुत मूंग की चाट हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं कितनी सी टमटिंग लग रही है, मुंह में आ रहा है ना पानी इसको देखकर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी हुई है। ये चाट ऐसी है कि आप इसको किसी भी टाइम खा सकते हैं, आप इसको नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में इसको ले सकते हैं। अगर आपको शाम को हल्का फुल्का कुछ खाना है तो तब भी आप इसको बनाकर खा सकते हैं। आप इसको नाइट में अगर खाने का आपका मूड नहीं है तो आप इस चाट को बनाकर। तो साबुत मूंग की चाट बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को